ये क्लाइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। राइट सर। ये डील खुराना कंस्ट्रक्शन को नए मुकाम पे ले जाएगी, तो बी केयरफुल, एक भी गलत शब्द नहीं। गीत, हर सीट के आगे फाइल्स रख दो। जी मैम। सर, क्लाइंट्स आ गए, मैं लेकर आती हूँ। सॉरी सर, मैं सारे क्लाइंट्स के लिए कॉफी बनाकर आती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कॉफी का तो नाम ही मत लो, तुम यहीं रहो। सर। आइए मिस्टर चोपड़ा। हेलो मिस्टर खुराना, आइए बैठिए। इससे पहले कि मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूं, आप सभी के सामने एक एक फाइल रखी हुई है। प्लीज आप इस फाइल को देख लीजिए और आपको देखते ही आपको मालूम चल जाएगा कि हमारी विजन क्या है इन घरों के बारे में। ये क्या है मिस्टर खुराना? ब्लूप्रिंट सारे अधूरे हैं और फाइल में ये रफ स्केचेस। प्रोजेक्ट के पेपर्स कहाँ? सर, जो फाइल आपने मुझे दी थी उसकी कॉपी सी है ये। सर वो प्लान पूरा रेडी है, शायद जल्दी में टेबल पे गलत फाइल्स आ गई है। जल्दी? हम यहाँ 1 महीने के बाद मिल रहे हैं। मिस्टर खुराना, अगर आप लोगों को वर्किंग क्लास के लिए फ्लैट बनाने का स्टैंडर्ड नहीं था तो आप लोगों को पहले बताना चाहिए था। आप लोग अगर एक प्रेजेंटेशन भी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभालेंगे? आप सही बोल रहे हैं। अगर हम एक फाइल भी ठीक से प्रेजेंट नहीं कर सकते तो हम ये प्रोजेक्ट भी डिजर्व नहीं करते। आई एम सॉरी मिस्टर खुराना, लेट्स गो गाइस। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप ऐसे नहीं जा सकते, प्रेजेंटेशन अभी बाकी है। गीत, तुम चुप रहो। सर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक मिडिल क्लास के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि आम आदमी, ये वो लोग हैं जो अपनी सारी जिंदगी अपना घर बनाने के सपने में बिता देते हैं। हम इन्हें किफायती दामों में लग्जरियस होम्स देंगे, एक ऐसा घर जिसका सपना वो देखेंगे और पूरा हम करेंगे। इसलिए इसकी डिजाइन्स भी अधूरी छोड़ी गई है। ताकि हर एक घर अपने क्लाइंट के सपनों के हिसाब से बन सके। एक आम आदमी के लिए उसका खास घर सर। लेकिन आपके पास कोई प्लान नहीं है ऑन पेपर? जी है, ये देखिए, 2 बेडरूम्स गार्डन के साथ, ताकि बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स के सामने ही खेल सके और बच्चों की कोई फिक्र भी नहीं हो क्योंकि सारी चीजें घर में ही है। गार्डन, बट द बजट कैन वी मैनेज मिस्टर खुराना? Yes, easily. 1 kitchen garden is doable. एक आम आदमी के घर में ये होना चाहिए। Nice. Your project is still on. थैंक यू मिस्टर खुराना, हम लोग चलते हैं। आप डिटेल्स मेरे ऑफिस भिजवा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे ऑफिस में जिसको जो काम दिया जाता है वो वही करता है और सब अपना काम ध्यान से करते हैं, किसी दूसरे का काम करने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए आज तक कभी कोई गलती नहीं हुई। और तुम यहां पे एक सिर्फ सेक्रेटरी हो। मैंने तुम्हें फाइल्स का कॉपी करने को कहा था और तुमने उसे भी ठीक से नहीं किया। आज पहली बार किसी क्लाइंट ने मेरे सामने, मेरे ऑफिस में आकर ऊंची आवाज में बात की है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी सर। जो फाइल आपने मुझे दिए थे उसकी कॉपीज मैंने टेबल पे रखी थी। बहाने मत बनाओगी। तुम्हारी गलतियों को मारने की गलती मैं नहीं कर सकता। गलतियां तुम करती हो, मैं नहीं।